शीघ्र चलो। हे सूर्यदेव, आपके उदय होते ही मेरे पतिदेव कैलाश पर आक्रमण कर देंगे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि समय से पहले इस विनाश को रोक दिया जाए। यदि मैं प्रातः काल से पहले अपने पतिदेव से मिल सकी तो उन्हें इस विनाश लीला में भाग लेने से अवश्य रोक लूंगी। हे सूर्यदेव, मैं चाहती हूँ कि मेरे इस अभियान में आप मुझे सहयोग दें। यदि मेरे सतीत्व में बल है तो आप मुझे अवश्य पुरस्कृत करेंगे और तब तक उदित नहीं होंगे जब तक मैं अपने पतिदेव के पास पहुंच ना जाऊं। चलो सारथी, और शीघ्र चलो। जो आज मुझे अर्थात सूर्यदेव को उदय होने से रोक रही है। मैं देवताओं का मित्र कहलाता हूं, इस आकाश की अग्नि हूं, अंधकार का नाश करने वाला प्रकाश हूं। ये शक्ति सती तुलसी की है जो अपने पति देव शंखचूर से मिलने रणक्षेत्र की ओर जा रही है। आपको तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी सूर्यदेव, जब तक सती तुलसी अपने पति देव तक नहीं पहुंच जाती। आज्ञा सुरराज। सेना तैयार है? हाँ सुरराज, सेना तैयार है, किंतु आज की रात बड़ी लंबी हो गई। लगता है समय जैसे रुक सा गया हो। अब तक तो सूर्योदय हो जाना चाहिए था, किंतु पता नहीं क्यों सूर्योदय होने में इतना विलंब हो रहा है। तुम सत्य कह रहे हो सेनापति, सूर्योदय होने में सचमुच विलंब हो रहा है। अवश्य ही ये देवताओं का छल है। संसार द्वारा देवाधिदेव महादेव कहे जाने वाले शिव को यह भली भांति ज्ञात हो गया है कि उनका सामना एक वीर से होने जा रहा है जिसमें उनकी पराजय निश्चित है। लगता है अपनी पराजय से बचने के लिए, अर्थात मुझसे बचने के लिए, आज वो सूर्योदय नहीं होने देना चाहते। हे आदिशक्ति, ये क्या हो रहा है? मेरा वरदान पाकर शंखचूर भगवान शिव से टकराने चला है। हे देवी भुवनेश्वरी, ये तो महानर्क की घड़ी है। मुझे भय है कहीं प्रलय ना हो जाए। मेरे वरदान के कारण शंखचूर मरेगा नहीं और भगवान शिव उसे छोड़ेंगे नहीं। उधर तुलसी का सतीत्व शंखचूर की रक्षा कर रहा है। हाँ ब्रह्मा जी, ये सत्य है। इस समय तो सूर्योदय को रोककर तुलसी अपने पति को शिव शक्ति से टकराने से रोकने जा रही है। और यदि शंखचूर ना माना तो परिणाम क्या होगा? ब्रह्मा जी, कोई इसे नियति का खेल कहता है तो कोई इसे ब्रह्म की माया और कोई इसे परमात्मा की लीला मानता है। किंतु हे परमेश्वरी, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये तो आपकी माया, आपकी लीला, आपकी शक्ति ही जाने।
किंतु जो परिणाम होगा उसके भय से धरती कांप रही है। देवलोक मानव लोग स्तब्ध हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। ये तो केवल आप ही बता सकती हैं। हे ब्रह्मा जी, इन सारी समस्याओं का समाधान केवल एक के पास है और वे हैं चतुर्भुज पीतांबरधारी लक्ष्मीपति परम कल्याण स्वरूप भगवान विष्णु। तुलसी तो शंखचूड़ के पास पहुंच रही है, किंतु आप भी देखिए आगे जो होता है। राज, लगता है आज सूर्योदय नहीं होगा। सेनापति, हम और प्रतीक्षा नहीं करेंगे। सेना को प्रस्थान का आदेश दो। हम कैलाश पर घेरा डाल देंगे। देखना है देवाधिदेव हमारे भय से सूर्य को उदयने से कब तक रोक सकते हैं। होकर यहां आना पड़ा। सेना को कैलाश की ओर जाने से रोक दीजिए महाराज। सेनापति, सेना नहीं रुकेगी। मैं महारानी तुलसी से वार्तालाप करके अभी आता हूं। जो आ गया सुरराज, आइए महाराज तुलसी हमारे साथ चलिए। चलो सैनिकों, महारानी तुलसी आपके यहां आना आसान है और सेना को कैलाश की ओर जाने से रोकने का कारण है। कारण है स्वामी, मेरे सुहाग की रक्षा। अर्थात स्वामी, आप भगवान शिव से युद्ध करने का विचार छोड़ दीजिए स्वामी। महारानी तुलसी, हमने विचारों की सीमा से आगे बढ़कर युद्ध का निर्णय भी ले लिया है और उसकी घोषणा भी कर दी है। नहीं स्वामी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। वे भगवान हैं, सृष्टि के संहार करता है। वे ब्रह्म हैं और ब्रह्म तो सृष्टि के नियम भी बदल सकते हैं। उनका क्रोध बड़ा विनाशकारी है। उनसे युद्ध का परिणाम केवल विनाश ही होगा। बड़े आश्चर्य की बात है महारानी तुलसी, वो आप थी जिन्होंने मुझे मेरे पिताश्री की आज्ञा तथा वचन का पालन करने की प्रेरणा दी थी। स्वामी, वो वचन तो आपने देवलोक पर विजय प्राप्त करके पूरा कर दिया। नहीं महारानी, नहीं, ये विजय अधूरी है। अभी मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया, क्योंकि इस बार मेरे पिताश्री त्रिलोक पर असुरों का आधिपत्य देखना चाहते हैं। जैसा कि आप भी जानती हैं कि असुर और देवता एक ही पिता कश्यप की संतान है।
आज तक केवल देवताओं ने ही त्रिलोक पर राज किया है, अब हमारी बारी है। ये असुरों का अधिकार है, उन्हें भी ये अवसर मिलना चाहिए और मैं वही करने जा रहा हूं। किंतु है स्वामी। महारानी तुलसी, मैं जानता हूं कि आपके मन में क्या है, एक भय एक चिंता, किंतु आज आपका प्रेम भी मुझे मेरे वचन से टिका नहीं सकता। अब मेरे बढ़ते हुए पग नहीं रुक सकते, मेरी वीरता पर भरोसा रखिए। आप मेरी यही प्रतीक्षा कीजिए महारानी, विदा। देखिए महारानी, आपके देवाधिदेव महादेव ने युद्ध टालने के लिए सूर्योदय ही रोक दिया था। नहीं स्वामी, यह आपका भ्रम है। सूर्योदय मैंने रुकवाया था। आपने? हाँ स्वामी, इस युद्ध का परिणाम मैं जानती हूँ स्वामी, और मैं ये भी जानती हूँ कि शिव क्या है और उनकी शक्ति क्या है। वे प्रलयकर महेश्वर हैं, उनका त्रिशूल अजय है, उनका तीसरा नेत्र जब खुलता है तो विनाश छा जाता है। मैं नहीं चाहती कि आप ये भयंकर खेल खेलें। मैंने अपने सुहाग की रक्षा के लिए सूर्य देव से प्रार्थना की थी कि जब तक मैं आपके पास पहुंच ना जाऊं, सूर्योदय ना हो। स्वामी स्वामी, मैं इस युद्ध को रोकना चाहती हूँ, आपकी रक्षा के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए। आप मेरी रक्षा की चिंता न करें महारानी तुलसी, आप मेरी विजय की कामना करें कि त्रिलोक पर विजय प्राप्त करके मैं शीघ्र लौटूं। हे नारायण, हे वासुदेव, अब इनकी रक्षा मैं कैसे करूं? इस समस्या का समाधान कैसे होगा प्रभु, कैसे होगा? इससे पूर्व मैंने कैलाशपति को कैलाश छोड़ देने की चेतावनी दी थी, यह उनके लिए सुनहरा अवसर था, उन्हें भाग जाना चाहिए था। उन्होंने अपने प्राण बचाने का अवसर खो दिया है। उनके कैलाश न छोड़ने के फलस्वरूप अब युद्ध अनिवार्य हो गया है, और इसका उत्तरदायित्व केवल कैलाशपति पर है। शंखचूर, युद्ध करने के लिए तुम आए, कैलाश की शांति भंग करने का निर्णय तुमने लिया, हिंसा का मार्ग तुमने अपनाया, पहल तुमने की, और उत्तरदायित्व तो मुझ पर। और यह सब केवल तुम इसलिए कर रहे हो कि इस युद्ध को जीतने के पश्चात तुम्हारे और तुम्हारे असुरों की देवताओं के समान पूजा होगी। यह मत भूलो शंखचूर, युद्ध जीतने से किसी की पूजा नहीं होती, केवल मन जीतने से पूजा होती है। विजयी वो है जो आत्मविजयी है। तुम अपनी प्रवृत्ति के कारण, अपने स्वभाव के कारण असुर हो, तुम्हारा आचरण असुरी है। ये देवताओं का विचार है, उन्हीं का फैलाया हुआ भ्रम है। ब्रह्मा के वरदान ने मुझे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि मानव लोक, यक्ष लोक, गंधर्व लोक और देव लोक के उपरांत अब कैलाश पर विजय प्राप्त करूं, इसके पश्चात ब्रह्म लोक और अंत में विश्व लोक पर अपनी सत्ता स्थापित करूंगा। देवताओं का राज समाप्त करके असुर राज की स्थापना करूंगा।
ब्रह्मा से मिले वरदान का यही उपयोग है। ब्रह्मा ने तुम्हें वरदान अवश्य दिया है शंखचूड़, परंतु तुम्हारे स्वभाव के कारण यह वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। तुम्हें ज्ञात नहीं है शंखचूड़, ब्रह्मा ने तुम्हारे भाग्य में तुम्हारी मृत्यु भी लिखी है, और यह मृत्यु शिव के हाथों लिखी है। जान लो शंखचूड़, ब्रह्मा का लेख अटल है। किसकी मृत्यु किसके हाथों लिखी है, इसका निर्णय तो आप युद्ध करेगा। मैंने तुम्हें जो समय दिया था वो आप पूरा हो चुका है। अब केवल युद्ध होगा, युद्ध। हाँ होगा, अवश्य होगा, किंतु ये युद्ध केवल वरदान और शक्ति के बीच होगा। इसमें दोनों ओर की सेनाएं भाग नहीं लेंगी। मैं नहीं चाहता कि कैलाश की पवित्र भूमि पर व्यर्थ का रक्तपात हो। कहो शंखचूड़, स्वीकार है तुम्हें? मुझे स्वीकार है। क्या किया आपने? उसकी छाती क्यों नहीं छेद डाली? वीरभद्र, शंखचूड़ की छाती और मेरे बाण के बीच एक सती की छाया है। पतिव्रता का बल है, मुझे शंखचूड़ की छाती को भेदने से पहले उस सती का वध करना होगा, और मैं एक सती का पतिव्रता का वध नहीं कर सकता। प्रभु, तब तो इस युद्ध का परिणाम परले ही होगा। संहारी